बीजाना ग्राम में श्री अनोप स्वामी जी महाराज का मेला बीजाना ग्राम वासी अनोप दास जी महाराज के भक्त हर साल करवा रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि अनोप दास जी महाराज की बात को दुनिया में फैलाने के लिए ये भक्त भाविक इस जगत के मिशन को संसार बचाने के लिए ये तन मन धन से इस काम को कर रहे हैं। अनोप दास जी महाराज वासी ने संसार को क्या बताया है, वो दुनिया से अनभिज्ञ है। अनोप दास जी महाराज ने कहा है कि जमीन जीवन जल के लिए इस संसार को और तमाम जीवाजीवों को बचाना है। अगर जमीन पर जल नहीं रहेगा तो तमाम जीवाजीव नहीं बचेगी। जमीन माता पर तमाम जीवाजीवों को बचाना है तो जल को बचाना होगा, और आज जमीन माता पर जल नहीं है। पीने को पानी के लिए दुनिया तरस रही है, क्यों? क्योंकि दुनिया को असलियत और कुदरत की पहचान दुनिया भूल चुकी है, परमात्मा की पहचान भूल चुकी है। जमीन माता की पहचान इस संसार को नहीं है। आज संसार में जो कुछ भी विनाश हो रहा है, तमाम तरह का जो विनाश हो रहा है, भूकंप तूफान महामारी अतिवृष्टि अनावृष्टि जलजला सुनामी व कच्ची उम्र में लोगों का मरना, वह तमाम तरह की जो बीमारियां आ रहा, कोरोना जैसी महामारी, ये डेंगू, ये ओमिक्रॉन जैसी महामारी जो आ रही है वर्तमान में, ये परमात्मा की देन नहीं है, नहीं कुदरत की देन है। परमात्मा ने तो इस सृष्टि को पाक बनाया है, सृष्टि के तमाम जीवों को परमात्मा ने सुख बख्शे हैं। परमात्मा ने सुख देने में परमात्मा ने कोई जीवों में कोई कमर कसर नहीं रखी। तमाम जीवाजीवों के खाने पीने के लिए 18 करोड़ वनस्पति व फल दिए। आज जो संसार जो दुख उठा रहा है, ये क्यों उठा रहा है, ये परमात्मा की देन नहीं है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। आज जो संसार में विनाश हो रहा है, ये बात अनोप स्वामी जी महाराज ने 142 साल पहले दुनिया को आगाह किया था कि संसार का जो कुछ भी विनाश हो रहा है, हिंदुस्तान के जैन सौदागर माजन बढ़िया करा रहे, ये दरियाओं के पार अलोक पाप करा रहे, ये गुप्त टापू पर अलोक पाप करा रहे, जहाँ पर कोई नहीं जा सकता है, और जाने की कोशिश करता है तो जादू छाले से डुबो देते हैं। जिस तरह रावण ने गुप्त लंका बनाई थी, उसी तरह वर्तमान में इस हिंदुस्तान के जैन सौदागर माजन ने बढ़िया ने गुप्त लंका बनाई है, और वहां पर ये दुनिया के नाम का पाप कराते हैं, जिसकी वजह से संसार का विनाश हो रहा है। आज दुनिया का इतना भारी विनाश हो रहा है, तबाही हो रही है, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ रहे, मर रहे हैं, फिर भी इस बात को नहीं मान रहे। आज कोरोना में इन्होंने करोड़ों लोगों को मार दिया।